दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय राजधानी लखनऊ में हूं और मेरे पीछे आप यहां पे जो बैनर देख रहे हैं, यहां से लखनऊ 4 किलोमीटर और हरदोई 110 किलोमीटर। आपको एक शख्स से मिलाने वाला हूं जो कई विधानसभाओं के चक्कर काट चुका है और घूम करके इस समय लखनऊ आया है मेरे सामने। यहाँ पर आपको कहूँगा कैमरामैन से आकर के ये बैनर दिखाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी का जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। और पीछे जो शख्स खड़े हुए हैं इनसे आपकी बात कराता हूँ और जानता हूँ कि किन किन विधानसभाओं में इन्होंने घूमा हुआ है। आइए आपको सीधे बात कराते हैं। आपका सबसे पहले मैं नाम बताइए भैया। सर मेरा नाम कन्हैया निषाद है, मैं हाटा विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ जो कुशीनगर जिला पड़ता है। मेरे विधानसभा में जो है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ काम नहीं करा पाई। इस समय जो है कि लोग बहुत ही समाजवादी पार्टी के फेवर में हैं और हमारे यहाँ सारी सीटें संभवतः आ सकती हैं। अच्छा, आप लगातार साइकिल से ही चल रहे थे? जी, मैं भाई साहब पत्रकार महोदय है जी। मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से संभवतः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी नॉलेज में चला जाएगा। मैं अन्य संकल्प किया हूँ, जब तक हमारे राष्ट्रीय मुखिया माननीय श्री अखिलेश यादव हमारे भैया जी मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं, तब तक मैं यह साइकिल यात्रा करता रहूंगा और किसी साधन का मैं उपयोग नहीं करूंगा। अच्छा, एक बात पूछूंगा, आप हाटा से निकले उसके बाद कौन कौन सी विधानसभाएं आपने घूमी, एक एक करके जरा बताएं हमें। जी, मैं हाटा से जब निकला जी। तो सर्वप्रथम गोरखपुर जिला का पिपराइच विधानसभा क्षेत्र है जी। जो हमारे निषाद समाज के बहुत बड़े नेता थे स्वर्गीय जमुना निषाद जी, उनके सुपुत्र जो है कि अमरेंद्र निषाद जी चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं और वह जो है कि उनका माहौल बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया है और किसी प्रत्याशी बीजेपी का कोई वहां से लड़ाई में नहीं है जी। और वो चुनाव जीत रहे हैं। और गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में जो है कि वो विजय बहादुर यादव जी चुनाव जीत रहे हैं। चिल्लूपाड़ विधानसभा से हरशंकर तिवारी जी के लड़के भीष्मशंकर तिवारी जी चुनाव जीत रहे हैं। कंपियरगंज से जो है कि वो जो भोजपुरी की एक्टर है काले निषाद जी, वो फतेह बहादुर से कड़ी टक्कर में अंत में चुनाव जीत जाएंगी और टक्कर चल रहा है उन लोगों में। ऐसे होते हुए मैं खलीलाबाद में आया, खलीलाबाद की स्थिति बहुत साफ है। बस्ती में भी जो है कि पार्टी का पोजीशन बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं बाराबंकी आया, बाराबंकी कई विधानसभा क्षेत्रों में गया, बीकापुर, दरियाबाद, जैदपुर, बाराबंकी सदर और पांचों सीटें बाराबंकी की समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। उसके बाद कहाँ कहाँ गए हैं आप, क्या माहौल दिख रहा है, कहाँ पे कड़ी टक्कर आपको दिखती है? जी, उसके बाद मैं आ गया लखनऊ में। लखनऊ शहर में कुछ टक्कर है, यहाँ टक्कर चल रही है, लेकिन यहाँ भी काफी जो है कि सीटें जो है कि सपा के पक्ष में आएंगी। कहाँ कहाँ आपको लखनऊ में टक्कर दिखती है? जी, कैंट में टक्कर है और जो है कि सरोजिनी नगर में टक्कर है और जहाँ इस समय हम खड़े हैं बीकेटी विधान बक्सी की तालाब बीकेटी विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ जो है कि समाजवादी पार्टी सीट को जीत रही है। मैं जो है कि 200 गांव का भ्रमण करके आ रहा हूँ और जो है कि लोगों से मुखाबिक हुआ हूँ। सब लोग कह रहे हैं कि भैया सरकार तो अखिलेश भैया जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और विधायक यहाँ से जो है कि सपा का ही बनेगा। अच्छा, जिस गाँव में आप लखनऊ की गाँव में गए हैं जी, अच्छा लखनऊ के जिस गांव में गए हैं वहां आबादी सबसे ज्यादा किस बिरादरी की थी? मैं जहां गया था वो बैकवर्ड, जैसे मैं निषाद समाज का, निषाद समाज के लोग थे जी, पिछड़ी जाति के राजभर कश्यप कुहार प्रजापति तमाम जाति के लोग मिले हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि जो है कि सरकार में बहुत ही जो है कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है, व्यवस्था प्रदेश को पटरी पर लाने के लिए अखिलेश यादव जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो मैक्सिमम आप जो कई सारी विधानसभा घूमी वहाँ की, आपको सबसे मूलभूत समस्याएं सबसे ज्यादा क्या लगती है जो सब जगह पे कॉमन लग रही हो? जी, पहली बात तो जितने भी छात्र नौजवान हैं वो सब सड़क पर हो गए हैं, पटरी व्यवसायी इसमें बहुत मार खाए हैं। मैं आपको गोरखपुर की बता दूं तो मिनिमम गोरखपुर जंक्शन के बाहर वो लिट्टी चोखा वाले जो पटरी व्यवसायी थे सैकड़ों दुकानें थी, लेकिन जो है कि सरकार की नियत से सबको वहाँ से हटा दिया गया। वो बेचारे पता नहीं कहाँ जाकर किस रोजगार में होंगे, भूखे मर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो है कि ये फेरी वाले से लेकर पटरी व्यवसायी मध्यम वर्ग लोग बहुत मार खाए हैं इस सरकार के रवैये से। अच्छा, अभी आप लखनऊ से यहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, कौन कौन से विधानसभाओं में घूमने जा रहे हैं? जी, यहाँ लखनऊ से मैं 20 तारीख को निकल जाऊँगा, चूँकि 21 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा।
यहाँ 23 तारीख को मतदान होना है। इसके बाद मैं बाराबंकी जाऊंगा। बाराबंकी के जो विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जा पाया हूँ वहाँ जाकर के पार्टी का प्रचार प्रसार करूंगा। उसके बाद से भदोही, आजमगढ़, बनारस, गाजीपुर, इन सबों विधानसभा को क्षेत्र को देखूंगा और पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार करूंगा। और माननीय आदरणीय अखिलेश भैया जी के मैनिफेस्टो के बारे में लोगों को जानकारी दूंगा। अच्छा, ये बताइए, आप फिर से अपने जो लोकेशन जहाँ से आए, जिस भी क्षेत्र से, वो क्षेत्र का नाम बता दें और फिर से अपना नाम एक बार रिपीट जरूर कर दें। जी, मेरा नाम कन्हैया निषाद है। और सर, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है कि पार्टी के गठन के समय से ही मैं सक्रिय सदस्य रहा हूं। जी। और जब जब भी कुशीनगर जिले में साइकिल रैली की आवश्यकता होती है तो नेता, वहाँ के लोग, विधायक लोग हमें ही पहले प्रमोट करते थे कि आप साइकिल चलाने वाले हैं। मैं बहुत से लोगों को लेकर के कई बार साइकिल यात्राएं कर चुका हूं और यह मेरी संभवतः बहुत बड़ी संकल्प यात्रा है। जब तक वो मैं अगली बार पहले भी बता चुका हूं। भैया जी, ये जानना चाहे तो आपका घर कहां पर है? घर कहां पर है? घर मेरा असना पड़ता है और जो है कि तहसील कप्तानगंज है, थाना हिरौली बाजार है और विधानसभा क्षेत्र हाटा है, जनपद कुशीनगर है। अच्छा, एक बात और पूछ लूँ, आप अकेले ही निकल पड़े या आपके साथ और भी आपके जनादेश है, मतलब और भी लोग हैं? जी भैया, कैमरे सामने हट जाइए। निकला तो मैं अकेले हूँ लेकिन मुझे अकेला मत समझिए, इतना जन समर्थन मुझे रास्ते मिला है कि मुझे लगा कि मेरे साथ हजारों लोग चल रहे हैं। हजारों लोग चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आप यहाँ पे देख रहे, भैया से मैं बात कर रहा हूँ, ये कई विधानसभा घूमे और हर विधानसभा का जो जनादेश है उसके बारे में बता रहे हो, पब्लिक का वहाँ पे मूड क्या है वो भी क्लियर कर रहे हैं और पब्लिक क्या चाह रही है और क्या जो मूलभूत समस्याएं हैं इसके बारे में बताया। ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए, धरातल से जुड़ी हुई खबरें जानने के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहे। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए।